मैं आज अपने व्यंग्य संग्रह खोज मिले घुमक्कड़ से के कुछ रचनाओं का वाचन करना चाहूंगा। खोज मिले घुमक्कड़ से ये पुस्तक है, वो मैं अपने साहित्य गुरु रामोपाल शर्मा को समर्पित किया है, जो लेखक कवि और ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं। उन्होंने मुझे साहित्य का कैसे सिखाया। खोज मिले घुमक्कड़ के बारे में प्रकाश के जो कथन है उसको मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है, खोजी जी ने खोज खोज कर क्या पाया, घुमक्कड़ ने घूम घूम कर क्या देखा। एक छोटा सा चमकता हुआ टापू जिसे इंडिया कहा जाता है और विशाल भारत नामक देश, जहाँ भूख, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, असमानता, अन्याय, चीख पुकार और लाचारी, इन दोनों के बीच विचरण करते अहंकारी, लफाजी और सामंती सफेदपोश, धन पशु और धर्म ध्वज, फौजी मिले घुमक्कड़ से इन्हीं विषयों के ऊपर विभिन्न प्रकार से रचनाएं लिखी गई है। सबसे पहले मैं खोजी मिले घुमक्कड़ किताब का जो भूमिका है, जिसे बात शुरुआत की शीर्षक से लिखा गया है, उसका वाचन करता हूं। क्या आपने फौजीदा ढाबा देखा है? नहीं देखा तो समझिए कि इस शहर में आपने कुछ नहीं देखा। मुख्य बस स्टैंड के पश्चिम में बिल्कुल सड़क के साथ एक बोर्ड आपको टंगा हुआ मिलेगा, उस पर लिखा हुआ नाम आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, फौजीदा ढाबा। प्रोप्राइटर सरदार बंता सिंह मट्टू माजरा वाले, सामने बैठे मिलेंगे बंता सिंह। सरदार बंता सिंह रिटायर्ड फौजी हैं। जब मैंने पूछने की कोशिश की कि पंजाब जैसे प्रांत को छोड़कर वे कैसे इस शेखावटी अंचल में आए, तो सरदार जी दोनों हाथ ऊपर कर बोले, जिथे वाहे गुरु ले जाए उत्थे ही बंदे को जाना पड़े। पगड़ी के दोनों छोर सरदार जी कंधों पर झूमते रहते हैं, एक छोर अपनी दाढ़ी ऊंचों पर घुमाया और बोले, बंदा किथे भी रहे वाहे गुरु जी महर रहनी चाहिए। कोई भी ग्राहक आता है तो सरदार जी पंजाबी भी हिंदी का छोंक लगाते हुए अक्सर कहते हैं, आओ बादशाह, कड़क चाय कपूर फला वाली चाहिए या चालू चाय चंडीगढ़ मार का, लस्सी लुधियाना वाली या नमकीन नाभा मार का, छोले भटूरे बठिंडा वाले हैं तो पापड़ पटियाला के, समोसे संगरूर के हैं, दसो थोड़ी सेवा में केड़ी चीज देवा। ग्राहक का आदेश सुनते ही बंता सिंह कहते हैं, ठीक है जी ठीक है, चिंता भी कोई गल नहीं, बात चाहो गुरु का प्रसाद समझ कर छक लो, वाहे गुरु तुम्हारा भला करे। फिर जोर से नौकर को आवाज देते हैं, ओए कुत्तर, ये गुरुद्वारा नहीं है वीर, फटाफट टेबल पर कपड़ा मार दे साफ वास्ते और समोसे की फुल प्लेट बना दे। जिस दिन ग्राहकों की टोली एक साथ आती है और सरदार जी के गले में गांधी साहब कागजों का ढेर लग जाता है, तो बंता सिंह ठीक उसी भांति चहकने लगते हैं जैसे बरसात देखकर मोर नाचने लगता है। ऐसे अवसर पर सरदार जी गा उठते हैं, चल चल चलिए गड़िए सानू यार तुम लेना है, चले चल चलिए गड़िए सानू यार तुम लेना है, ओए मनी यार तुम लेना है। फिर कहते हैं, बापे जब खोजते छुट्टी आंधे की तो गड्डी में बैठते ये गीत गाते थे, हम सारे बेली नाचने लगते थे, उस बेले लगता था कि साड़ी गड्डी छलाना मार दी, सिटी लगाती हवा में उड़ रही है, और जब हम आंखें बंद करते तो भीतर सरदार जी का चेहरा दिखाई देता। वो भी क्या दिन थे, जब तक पिंड में पहुंचकर सरदार ने दी जपिया और पपिया नहीं मिल जाती, चैन नहीं मिलता था। सहसा सरदार देखते कि नौकर भी उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है,
तो मीठी झिड़की देते और पुत्र खोतीदा कसम तेरा मजा ले लिया है, कुछ काम भी तो कर ले। सरदार जी को मैंने कभी उदास नहीं देखा, न कभी गुस्से में नजर आए। 50 वर्ष की आयु में भी सुबह स्वयं को गबरू जवान कहते हैं। उनका तकिया कलाम होता है, बापे साड़ी जिंदगानी बार बार नहीं आनी थी, हंस दे रहो तो मोजा मार दे रहो। इस कारण जो ग्राहक एक बार फौजीदा ढाबा में आ गया वह बार बार आता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरदार जी का ढाबा हमारे लिए कॉफी हाउस का काम करता है। खोजी जी मेरे गुरु हैं और शहर के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। वैसे वे कई बार आग्रह कर चुके हैं कि मैं उन्हें पत्रकार जगत का भीषण पिता मैं कह दूं। खोजी जी को पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। खादी का चोला पजामा, पैरों में चप्पल, आंखों पर भारी चश्मा, रूखे सूखे से चांदी जैसे केस जो हमेशा हवा में उठते रहते हैं, इनकी बदल में हमेशा एक झोला लटका रहता है। खोजी जी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि वे सिगरेट खरीद कर पीते हैं और बीड़ी मांग कर माचिस कभी नहीं रखते। इसके पीछे उनका तर्क है कि इस बहाने वे लोगों से मिलते रहते हैं, आम आदमी के साथ आम हो जाते हैं। खोजी जी को खोजी का ढाबा पसंद है और सरदार बंता सिंह को खोजी जी के बिना चैन नहीं मिलता, इसलिए फौजीदा ढाबा में जिले भर के पत्रकारों का दमगट लगा रहता है। खोजी जी के साथ घंटों बहस चलती रहती है। खोजी जी की बहस सैद्धांतिक होती है, लेकिन उनका मानना है कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन कभी एक नहीं हो सकता, कम से कम भारत देश में तो यह असंभव है। यहाँ तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग रखने ही पड़ेंगे। खोजी जी हमेशा उनके आदर्श में बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर आग उगलते रहते हैं, नैतिक मूल्यों के पक्ष में जमकर वाक युद्ध करते हैं, लेकिन अवसर मिले तो वे निजी लाभ उठाना बुरा नहीं मानते। देश की खूब चिंता करते हैं, समाज पर थू थू करते हैं, लेकिन जब स्वयं का स्वार्थ दांव पर लगा हो तो तुरंत यथार्थ के धरातल पर आ जाते हैं। सुविधा भोगियों विलासिता में डूबे रहने वालों को अय्याश प्रेत कहते हैं, किंतु जब कभी छप्पर फाड़ कर स्वयं को अवसर मिलता है तो अय्याशी में गोता लगाने से नहीं चूकते। दलाली, कैम चोरी, रिश्वतखोरी, झूठ बोलना, गप मारना आदि आम भारतीय की कमजोरी मानते हैं। कहते हैं इसी से देश डूब रहा है, जहाँ अवसर हो गिफ्ट या पुरस्कार की जुगाड़ बिठाने में नहीं हिचकते। असल में खोजी जी उस भारतीय बुद्धिजीवी के प्रतीक हैं जो भाषण, भोजन और विश्राम के कायल हैं। मैं बना गुमत्कड़ खोजी जी का शिष्य हूँ। स्वभाव से खोजी जी जैसा चतुर और स्वार्थी नहीं, आदर्शवाद और निज स्वार्थ को दो पलड़ों में नहीं तोड़ता। ऐसा लगता है कि गुमत्कड़ खोजी जी और सरदार जी का आनंद लेता है। खोजी जी की बातों में नैतिकता के पौधे पर चढ़ा भी देता है और फिर उन्हें धड़ाम से गिरते भी देखता है। खोजी जी और गुमत्कड़ एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। बिना घूमे खोज नहीं होती और उस पर गहन चिंतन वाद विवाद से ही हो सकता है। ये दोनों महाशय समाज और देश की संगतियों, रूढ़ियों, विद्रूपताओं और प्रदर्शन पर सामूहिक चोट भी करते हैं और उसमें सम्मिलित भी होते हैं। आगे के पृष्ठों पर खोजी जी के विभिन्न चेहरों की पड़ताल होगी। ये दोनों गुरु शिष्य समाज में अन्य लोगों की जांच पड़ताल में लगे जो रहते हैं। अब मैं प्रथम रचना पढ़ता हूँ। इसको अनेक मित्रों ने कहानी माना है, लेकिन मैंने बतौर व्यंग्य इसको माना है। इसका शीर्षक है मेरा गांव बना विश्वग्राम। ये किस्सा 10 वर्ष पूर्व का है। उसमें खोजी जी का असली नाम महावीर प्रसाद गुप्ता था। वे मुंबई में रहते थे, बीच बीच में पत्र लिखते रहते और मैंने देखा कि वे गुप्ता से गुप्ते बन गए थे। उन्हीं दिनों एक दिन फोन की घंटी बजी, आवाज सुनाई दी, क्या कर रहे हो डियर? मुझे पता ना, मैं एमपी बोल रहा हूँ। एमपी? मैंने दोहराया। क्षण भर में मस्तिष्क की सभी नसें चौकड़ी हो गई, आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने पूछा, क्या आप मिस्टर गुप्ते नहीं बोल रहे? फोन में उनका चिर परिचित ठहाका सुनाई दिया, फिर आवाज आई, ठीक पहचाना डियर, गुप्ते ही बोल रहा हूँ, लेकिन अमेरिका घूमाने के पश्चात मैं सिर्फ एमपी के नाम से जाना जाता हूँ। गुप्ते पुनः जोर से हंसे।
धन्यवाद हमारे, लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैंने पूछा। डियर, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आज एक रंगारंग कार्यक्रम है, तुम भी क्या याद रखोगे? चिलखिलाते हुए उन्होंने फोन रख दिया। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि गुप्ता से गुप्ते और बाद में एमपी बनने के बावजूद उन्होंने अपना सत्या कलाम तुम भी क्या याद रखोगे बोले नहीं। मैं एमपी का इंतजार करने लगा, जो कि मेरे लिए इस ईर्ष्या के पद पर रहे हैं। नौकरी करते समय विभागीय पत्रिका के संपादक क्या रहे, साहित्यकारों और पत्रकारों पर जब तब रोब गाड़ते रहते, अक्सर मुझे टोकते, तुम ठहरे गणी गांव के, तुम लोग शब्दों के बच्च मारते हो, कुछ पाने के लिए झुकना सीखो, यही तहजीब है भाई। दुर्भाग्य कि मैं कभी गुप्ते गुरु की सीख ग्रहण नहीं कर सका। समय अनुसार गुप्ते अपने पोशाक भी बदलते रहे हैं, पहले पैंट बुशर्ट, बीच में धोती कुर्ता पहनकर बिल्कुल बंगाली मोसाई लगते, बाद में सुना कि उन्होंने कुर्ता पाजामा अपना लिया। तट पर पड़े पड़े मैं गुरु के बारे में ही सोचता रहा, तभी आठ हुई, देखा तो दंग रह गया। सफारी सूट, सिर के बाल काले किए हुए, पूरी नकली बच्ची सी, आंखों पर काला चश्मा, मुंह में पान, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में रंगीन लिफाफा, रंग पहले की अपेक्षा अधिक गोरा और गाल भरे हुए, चेहरे पर गर्व की मुस्कान और आंखों में वही चिर परिचित बुनता हुआ जाल। मैं हड़बड़ाकर तुरंत खड़ा हो गया, नमस्कार करते हुए बोला, गुप्ते जी ये क्या साखे सो पाखे, आप तो साक्षात बरखुरदार व बीच में बोल उठे। फिर तनिक रुक कर जैसे भूल सुधार करते हुए बोले, नहीं माई डियर कहना चाहिए था। हाँ तो माई डियर मुझे सिर्फ एमपी कहो, ओके, कहकर उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। तख्त पर बैठते हुए उन्होंने अंग्रेजी में छपा निमंत्रण पत्र मुझे थमाया। पढ़कर इतना ही समझ पाया कि आज कोई महाभोज है। आयोजकों में एक नाम एमपी गुप्ते का भी था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मैं विस्मय से उन्हें ताकने लगा, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बंधु सॉरी माय डियर, एमपी ने पुनः अपनी गलती सुधारी, बोले, आज मिलेनियम मीट होने जा रहा है रामसरा गांव की पहाड़ी पर, विश्व एक ग्राम बन गया है, यू नो विश्व के सभी जेंटलमैन हमारी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। उद्देश्य एक ही है, जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाए, फल फूल सब्जी बिल्कुल तौर पैदा हो, इसलिए अब मूर्ख किसानों के भरोसे कृषि को नहीं छोड़ा जा सकता। ये जमाना संभ्रांत व्यक्तियों का है, जाहिल और तनपुटों का नहीं। एमपी मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। जब मैं कुछ नहीं बोला तो स्वयं ही कहने लगे, मैं इस कंपनी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, संरक्षक किरोड़ीलाल छेतान है, मिस्टर लकड़वाला इसके अध्यक्ष हैं, मैडम दीक्षित सक्सेना इसकी सचिव हैं, और भी हैं, सारे सारे अरबपति, शाम को परिचय कराऊंगा। आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने पूछा। ग्लोबल ट्रेंड्स इंटरनेशनल, एमपी उत्तर दिया। तनिक रुक कर स्वयं ही बोलने लगे, हाल ही में राजधानी में प्रवासी मारवाड़ियों का सम्मेलन हुआ था, मैंने इन लोगों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। कहने लगे, कौन जाए रहे तेले दौरों में? मैंने समझाया कि अपने देश को मत भूलो, इस क्षेत्र का विकास करो, तभी यह कार्य छपवाए, तीन दिन से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। एंटी मुंह में अंगुली डालकर पान को दबाने लगे। मैंने पूछा, आपका पान इजाजत दे तो चाय बना लाऊ? अरे बैठो भैये, गुप्ते ने मेरा हाथ पकड़कर बैठा लिया। मुंह बिचका कर बोले, अमेरिका से आने के पश्चात चाय नहीं पीता, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक से लेता हूँ। दुनिया तेजी से बदल रही है डियर। लेकिन गुरुदेव घर में कॉफी तो नहीं है, कहो तो नींबू की शिकंजी बना दूं? मैंने पूछा। छोड़ो अपने इस गांधीवादी पेय को, ये बताओ आजकल क्या लिख रहे हो? गुप्ते ने मुझ पर नजर गिरा दी। एक ग्रामीण परिवेश का उपन्यास लिख रहा हूँ, इसमें महिला उत्पीड़न को भी उभारा गया है। मैंने कहा, गोली मारो ग्रामीण और महिला समस्या को, गुप्ते बिखर पड़े। प्रेमचंद को अभी तक पकड़े बैठे हो?
अपने देश में यही समस्या है। डियर, ये महिला उत्पीड़न क्या है और की मानसिकता को तुम कितना जानते हो? ये बाल मैंने यूं ही काले नहीं किए हैं, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ। कोई घर में तो नहीं? गुप्ता ने माहौल को सूंघते हुए पूछा। कोई नहीं, मैंने आश्वस्त किया। तो सुनो, जैसे वे राज की बात कहने लगे, असल में बंधु औरत ताकत और मारदार चाहती है, ये मेरा पक्का गुर समझो। नई सदी तो होगी औरत की, फिर उसका उत्पीड़न कैसा? उत्पीड़न तुम्हारे जैसे कमजोर मर्द का होगा, तुम भी क्या याद रखोगे? मैं विस्मय से गुप्ते का चेहरा ताकने लगा। सचमुच इस व्यक्ति ने अपना नाम ही नहीं बदला, स्वभाव भी बदल लिया है, आयु का भी कोई संकोच नहीं। मुझे चुप देख स्वयं ही बोले, नई सदी की हवा में बहो डियर और एक दासू किताब लिख डालो, टैगोर, प्रेमचंद अथवा गोर्की और टॉलस्टॉय को छोड़ो, वेद, रामायण, गीता की भांति ये सब पुराने पड़ गए हैं। हाँ, महाभारत में कुछ रस है, ये जमाना डॉलर का है, महंगी गाड़ी, साथ में खूबसूरत औरत, महंगी शराब और उत्तेजित करने वाली कैसेट, ऐसे लोग ही सफलतापूर्वक जिएंगे और जीवन का लुत्फ उठाएंगे। लिखना है तो खुशवंत सिंह, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी की तरह लिखो, रंगीन मिजाज बनाए रखो, एक उपन्यास में गहरा पार। अब तो तुम सिर्फ कागज का लेकर रहे हो, क्या समझे? दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर गुप्ते का ध्यान चला गया। एक सुंदर सोलसी का सालिम चित्र दर्शक को हाथ जोड़कर नमन करती हुई गुप्ते ने टिप्पणी की, अब ये चित्र भी पुराना पड़ गया है, जैसे ये मंदिर से आ रही है। जब तक खुली पीठ और स्तंभ रेखा नहीं दिखाई दे, नारी सौंदर्य प्रभाव नहीं डालता। ये विश्व सुंदरियों का जमाना है बंधु, तुम पिछड़े मालूम पड़ते हो। पता नहीं क्यों एमपी गुप्ते खिलखिलाकर हंसे। उनके मुंह से सुपारी की चिरकियां उछलकर मेरे चेहरे पर आ लगी। जेंत कर मैंने तुरंत चेहरे पर हाथ घुमाया, मुझे कुछ मादकता का आभास हुआ। मैंने पूछा, आज तो गुरु दिल में ही भोग लगा लिया सोमरस का। गुप्ते ने जोरदार ठहाका लगाया और मेरी पीठ पर ढोल जमा कर बोले, पक्षे तुम्हारी सुन नहीं सकती, बेजोड़ है, असल में अरबपतियों के बीच रहता हूँ, सेक्स और शराब उनके लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए बीकानेरी बुझिए। शाम को तुम्हें दिखाऊंगा कि ये लोग कितने मस्त मस्त हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? एम पी गुप्ते धड़ाधड़ बोलते जा रहे थे, सहसा उनकी नजर एक रंगीन पत्रिका पर पड़ी। ये क्या है? कहते हुए उसके पन्ने पलटने लगे। कितना कागज और मल्टी कलर चित्र। गुप्ते का मूड बल्ले बल्ले हो गया। सब पैसे का करिश्मा बंधु, धन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, ये सभी पैसे वालों को होगी। निर्धन लोग कीड़े मकोड़ों की बातें मरेंगे, परिवार नियोजन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, खेतों में रहित लोगों की कोठियां और कंप्यूटर होंगे, जो आज कृषक हैं वे कल कृषि मजदूर होंगे, शाम को देसी दारू के पाउच पिएंगे, खेती करना अनपढ़ भारतीयों के वश की बात नहीं। एक मुश्त इनको पैसे दो और दारू की थैलियों तक पहुंचा दो, तुम्हारा पैसा भी वापस आ जाएगा, तुम भी हमारी कंपनी में जुड़ जाओ। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं पाया। सभी गुप्ते पुनः शुरू हो गए, ये समय सारे विश्व में खुला करने और भोगने का है, अब गरीबी और समानता की चिंता करने वाला पागल कहा जाएगा, क्या समझे? मेरे पास कोई तर्क नहीं था, मैं पता नहीं कहाँ खो गया। एमपी ने मुझे झुंझोड़ा, कहाँ खो गए फिलोसफर, झटपट तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारे पास एक नई ड्रेस तो होगी, ये खादी या कुर्ता पजामा नहीं चलेगा। मेरे पास नई ड्रेस नहीं है गुरु, मैंने कहा। तब क्या खाद करोगे इस सदी में? एमपी के तेवर चढ़ गए, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक नजरों से तोला, फिर बोले, नेवर माइंड, मेरे साथ चलो, टी शर्ट और जींस दूंगा तुम्हें, बी स्मार्ट एंड हैंडसम। अपनी गाड़ी में बिठाकर एमपी मुझे गेस्ट हाउस में ले गए, चारों ओर गहमा गहमी थी। अपना कमरा बंद कर एमपी एक आलमारी से दो बियर की बोतल ले आए, बोले, एक एक घूंट लेते जाओ और ड्रेस बदल लो, आलमारी कोट
लेने का इशारा करते हुए कहा। नई ड्रेस और जूते पहनकर मैं सच में टूटने लगा। पूछा, प्राची जी कहाँ है? डियर, तुम किस अंधेरे में हो? मेरे अमेरिका जाने से पूर्व ही वह चल बसी थी। शी इज मोर, खोजी जी ने कहा। मुझे धक्का लगा, मुंह से निकल गया, ये तो बुरा हुआ। कहते हैं बुढ़ापे में जीवन संगनी की अधिक आवश्यकता होती है। एंटी ने बियर की चुस्की लेने के पश्चात कहा, बंधु, प्रकृति क्रूर निर्णय देती है तो कभी संतुलन भी बना देती है। अमेरिका में ज्योतिषी सक्सेना से संपर्क हुआ। एक अमीर बाप की बेटी है जो एनजीओ चलाती है, तलाकशुदा है। परिचय ऐसा हुआ कि एक दूसरे के होकर रह गए, यही जीवन है। तब मुझे दूसरा धक्का लगा। 60 वर्ष की आयु पार करने के पश्चात भी एमपी ने दूसरा पार्टनर खोज लिया था। इतने रईस बाप की बेटी ने एमपी को कैसे स्वीकार कर लिया? परिवार पर क्या असर पड़ा? वे शायद मेरी मानसिकता को पढ़ रहे थे। बीएड समाप्त कर बोले, तुम्हें जिज्ञासा होगी हमारे संबंधों के बारे में, इतना समझ लो कि हम दोनों ने शादी नहीं की है, मित्र हैं। ज्योतिषी का कोई बच्चा नहीं है, न वह चाहती है। अपने दोनों बेटों को भी मैंने नहीं बताया। ज्योतिषी ने मना कर दिया था कि अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में क्या बताना है, हमारा साथ अलविदा है। दरवाजे को किसी ने खटखटाया। एमपी खड़े हो गए और बोले, चलो बरखुरदार, गाड़ी आ गई। गाड़ी में पिछली सीट पर एक महिला बैठी थी, आयु कोई 40 वर्ष के आसपास। मैंने आंखों में एमपी से पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, शी इज ज्योतिषी। ये पिछली सीट पर बैठ के मेरा परिचय करा दिया। मैं नमस्कार कर अगली सीट पर बैठ गया। सुंदर और शालीन महिला लगी ज्योतिषी। मन ही मन एमपी के भाग्य को सराहा। उदारीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण था। पिकनिक के लिए जिस पहाड़ी को चुना गया वह अधिक ऊंची नहीं थी। पहाड़ी के नीचे एक तालाब बना हुआ था जो पानी से लबालब भरा हुआ था। पहाड़ी पर एक मंदिर था जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। 4 साल से राज्य में काल की स्थिति चल रही है, लेकिन मंदिर के पुजारी और सेठों की मेहरबानी से पहाड़ी सुरम में लग रही थी। इधर उधर बिखरी कुर्सियों पर रईस लोग बैठे थे। ऊपर पहुंचने से पहले ही ज्योतिषी के सामने एमपी ने मुझे सावधान किया, यहाँ तुम्हारा गवई रूप मत दिखाना, बड़े बड़े उद्योगपति और अफसर आएंगे, गांवों की जमीन कैसे जल्दी से जल्दी ली जाए इस पर गहन मंत्रणा होगी। ज्योतिषी मुस्कुराई थी, वे अब 30-35 वर्ष की लग रही थी। चलते हुए मेरा गहन परिचय देने के उद्देश्य से एमपी ने कहा, ज्योतिषी पीआर के फ्रीलांसर जर्नलिस्ट एंड ऑथर है, इसे अपनी कंपनी में मेरा सहायक बनाना है। व्हाई नॉट कहती ज्योतिषी पुनः मुस्कुराई। पहाड़ी पर पहुंच कर दोनों व्यवस्था देखने लगे। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। सूर्यास्त अभी अभी हुआ था। तारों का आना जाना बढ़ गया था। पानी का खूब छिड़काव होने से गर्मी में भी ठंडी बयार आ रही थी। एक साधु हनुमान मंदिर में बैठा बंदरों को कुछ खिला रहा था। दूसरा एक और मंदिर देवी का था जहाँ कैसेट बज रही थी। पीपल के ऊंचे पेड़ पर बैठा मोर यदा कदा लंबी तान देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। मिस्टर आर के कमाउन देखा, एमपी मुझे बुला रहे थे, अकेले ही थे। मैं निकट गया तो पूछा, ज्योतिषी कैसे लगी तुम्हें? मैंने कहा, आयु का बहुत अंतर है गुरु। मैंने दूर खड़ी ज्योतिषी को दूध या प्रकाश में पुनः देखा। दस चेहरे की एमपी ने मेरी पीठ पर जोर जमाया। उनकी आंखों में शरारत के जाले और सफलता के सोपान नजर आ रहे थे। बोले, रामा राव और पंडित रविशंकर ने जो सभी रचाई थी उससे ये अंतर कम है। वैसे भी साक्षात सोपाठा मैं स्वयं को तुमसे अधिक जवान समझता हूँ। इसमें क्या शक है गुरु? मैंने उत्तर दिया। मेरा हाथ पकड़कर एमपी वहां पहुंचे जहाँ अमीर लोग बैठे थे। परिचय कराया, ये है मिस्टर सदानंद गुप्ता, इस पिकनिक के आयोजक। इनसे मिलो मिस्टर बजाज, ये चौधरी नंद कुमार, ये खेतान, ये लक्करवाला, सब NRI अमेरिका और इंग्लैंड में धूम मचाने वाले। मेरा परिचय सबको देते हुए कहा, ये मिस्टर आर के जर्नलिस्ट एंड हिंदी राइटर।
लेकिन ये पहनावे से तो मॉडर्न लग रहे हैं, मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा। ये सब मैंने किया सर, अपने संस्था से इन्हें जोड़ेंगे। मैंने कह दिया है बी जेंटलमैन नॉट रूरल मैन। बजाज बोले, किसानों को आप जैसे बुद्धिजीवी समझा सकते हैं, अब कृषि पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती, कंप्यूटर से खेती होगी। इंडिया इसलिए पिछड़ गया कि यहाँ पहले उद्योगपतियों को खुली छूट नहीं दी गई। अब सरकार शेयर मार्केट की पुजारी बनी है तो उद्योगपति भी विश्व में नाम कमाने लगे हैं। रिस रिस कर अमीरी चुने लगेगी तो आम आदमी को भी जूठन मिलेगी। हमने प्रधानमंत्री को भी कह दिया कि जनाब हम अपना मुनाफा कम नहीं करेंगे, देश का विकास करना है तो पहले हमारा विकास करो। लेखक जी मिस्टर खेतान मुझे समझाने लगे। अब इस देश को समझ में आया कि समाजवाद लाना या गरीबी मिटाना अनावश्यक बातें हैं। पांच उंगलियां एक ही, आपकी उंगलियां ही एक जैसी नहीं होती। फिर यहाँ तो 1 अरब हैं, सबको समान कैसे रख सकते हैं? सरकार कोई संत का आश्रम नहीं है, ये कोई दुकान है। इसका काम है राज करना और हमारा काम है व्यापार करना, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हलचल बढ़ी। जिले के बड़े अधिकारियों सांसद विधायकों का फिलाया, सब NRI उधर ही दौड़ पड़े। MP सबसे आगे थे, गोल टेबल पर मुख्य लोग बैठे थे, फाइलों में आंखें गड़ाए जाने लगी। MP ने बाद में मुझे बताया कि इस पहाड़ी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, वन विभाग के बड़े जंगल में डाक बंगला बनेगा, गांव की जमीन लेकर भव्य कॉलोनी तैयार होगी, यहाँ संभ्रांत लोगों के बंगले बनेंगे। अंत में बोले, देखते रहो RK क्या क्या होता है, रईसों को रिझाना कोई आसान काम नहीं होता। खुशी पुरसर शुरू हो गई, पता लगा कि विकास का एजेंडा भी तैयार होगा और साथ ही ड्रिंक भी चलेगी। प्रवासियों की फरमाइश पर नथुर लोई के दाल के पकौड़े आने लगे, सेवादार ठेक राजस्थानी पोशाक पहने सोमर से गिलास देने लगे। MP ने मेरे कोने मारी, स्टैंड अप RK एंड गो अहिट। किंतु मौन रेशों में बिल्कुल नहीं जा सका। तभी देखा कि MP दोनों हाथों में गिलास थामे आ रहे हैं, पीछे पीछे जुस्सी भी। पीने पिलाने का दौर जोरों पर था, म्यूजिक की आवाज तेज हो गई थी, कुछ युवक युवतियों के पैर सबसे फिरकने लगे। इसी झोंक में मैं बियर के 3 गिलास पी गया। तब मैं उठकर एक चट्टान पर आकर बैठ गया, मेरी मुट्ठी में पकौड़े थे जिन्हें उतर रहा था। निकट ही 2 व्यवसायी गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कुछ कहा। मैंने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग शुद्ध रूप से मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, भावनाओं में बहकर नुकसान नहीं उठा सकते। दूसरे ने विस्की बूट बढ़कर कहा, इन लोगों ने 60 वर्षों में क्या किया, बातें गरीबों की थी, वोट लिए और लूटने का लाइसेंस प्राप्त किया, स्विस बैंकों में ढेर सारा पैसा किसका है, हम तो बिजनेसमैन है, 1 लगाएंगे तो 100 पाएंगे, इसमें झूठ क्यों बोले। RK सुनकर चौंक पड़ा, देखा MP और जुत्सी साथ साथ आ गए थे। बेचारा हिंदी राइटर जुत्सी ने मुझे अंधेरे में बैठे देखकर सहानुभूति प्रकट की, फिर पूछा और क्या लेना मांगता। MP ने आंखों में जाले बुनते हुए अंग्रेजी में पूछा, व्हाट डू यू वांट। कुछ नहीं गुरु, मुझे तो नशा चढ़ गया है। नशा नहीं चढ़ा RK, ऐसा होता तो तुम नाचने लग जाते। जरा 1 मिनट, कहकर MP चले गए। एक विस्की का गिलास मुझे थमाते हुए बोले, तुमसे अधिक तो जुत्सी पी चुकी है, इसे धीरे धीरे पी सकते हो लेकिन खाली नहीं बैठना। जब मैंने गिलास थाम लिया तो MP चहक कर बोले, ये 21वीं सदी RK, ये नाचते गाते रही गाँव की जमीन पर कब्जा करेंगे, भूखा भारत इन्हें ललचाई नजरों से देखेगा। ऐसे तुमको पंजाबी गीत बजने लगा, सभी नाचने लगे, MP और जुत्सी भी अपने अपने गिलास खाली कर नाचने लगे। तुम भी आओ RK, MP ने आदेश दिया, लेकिन मुझे तो दो दो जुत्सी नजर आ रहे हैं गुरु, नशे के बहाने मैंने मजाक ठोंक दिया। वारे पक्षे वारे देवदास, MP झूमते हुए मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लेकर मेरे मुंह से लगा दिया और बोले, इसे खाली करो RK। जब गिलास खाली हो गया तो मुझे मंदिर भी दो दो नजर आने लगे। MP और दीक्षी ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और घेरा बनाकर नाचने लगे। MP ने झूमते हुए कहा, क्यों RK, अब तो पता लग गया ना कि इंडिया स्वर्ग और भारत नरक है।
मुझे इतना याद है कि कुछ ही क्षणों में मुझे चक्कर आ गया, आंखें बंद कर मैं हरी घास पर पसर गया। ये दोनों मुझे कुर्सी पर बैठने वो कह रहे थे। मैं लेटा लेटा ही जैसे आसमान में उड़ा जा रहा था, जैसे कोई हादसा हो गया। पूरा पिकनिक स्थल अंधेरे में डूब गया और भगदड़ मच गई। ये बिजली किसने काट दी? एमपीओ जुत्सी कहाँ है? कौन राक्षस स्वर्ग में आ गया? चीख पुकार के बीच में आंखें फाड़ कर देख रहा था। कुछ देहाती हाथों में लाठियां लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। मारो लुटेरों को, बाहर को नोचने वाले बच्चे न भाग पाए, कुछ ऐसा शोरगुल था। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया, बल्कि एमपी झिंझोड़ रहे थे मुझे बिठाकर, बोले, डूबेगा यह देश, भूख और भारत एक ही है। क्या आपने खाना खा लिया? मैडम कहाँ है? मैंने पूछा। एमपी ने कहा, पता नहीं, वह अंधेरे में कहाँ छुपी है। खाना तो ये भूखड़े लूट ले गए। ये सब तुम्हारे प्रेमचंद और निराला के भक्त थे। इस देश का क्या होगा आर के? पता लगा कि सारे ग्रामीण टूट पड़े थे। ये कह रहे थे कि ये धरती हमारी माँ है, इसे हम नहीं बेचेंगे। इसके पश्चात उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो पाठ को उस दिन एमपी ने फिर एक बार अपना नाम बदला। वे खोजी भी हो गए, क्योंकि जिप्स और सारे एनआरआई गुप्ते गुरु से नाराज थे। उनका आरोप था कि एमपी ने अपने गांव के लोगों से सबकी कुटाई कराई।